इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का नाअहली का फैसला बरकरार रखते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और इनकी अहलिया कैसरा इलाही को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन 2024 ने मुस्लिम लीग नून के लाहौर समेत कौमी असेंबली के कई हलकों से मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। आईजी जेल खाना जात फारूक नजीर ने बानी पीटीआई के जेल से द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून के मामले की तहकीकात मुकम्मल कर ली और कहा बानी पीटीआई का मजमून जेल से नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया और कहा कि आवाम के कंधों पर सवार होकर कौमी असेंबली जाना चाहते हूँ। पुलिस की ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन टीमों को 9 मई वाकयात में गिरफ्तार न होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टास्क सौंप दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी जिला लकी मरवत के इलाके हुसैन खेल में नामालूम अफराद ने 10 मजदूरों को अगवा कर लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सालाना हज मुआहदे पर दस्तखत हो गए। हज एक्सपो में हुज्जाज की सहूलत के पेश नजर मजीद मुआहदे होंगे। कोयटा के ठंडे मौसम का असर कराची पर भी होने लगा। महकमा मौसमियात ने शहर में पारा मजीद गिरने की पेशगोई कर दी। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच ग्रांट ब्रेडबर्न ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। अब वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में कोचिंग करेंगे।